हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द ए टीम। तो चलिए ये शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी बैठा है और एक आदमी को पंच मार रहा होता है दूसरा आदमी। लास्ट में वो आदमी फ्रस्ट्रेट होके उस आदमी को गन से मारने वाला रहता है, पर गन नहीं चलती है और वो हंसी मजाक करते हुए वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वो आदमी के कुत्ते आते हैं, तब जो वो आदमी बैठा रहता है कुत्तों को देख पीछे अंधेरे में जाता है, अपने बंधे हाथ खोल उन दोनों कुत्तों को बांध के भेज देता है और वो आदमी स्मोक करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है और उस आदमी का नाम स्मिथ रहता है। और फिर दिखाया जाता है कहीं मैक्सिको में एक गाड़ी का पीछा कर रही होती है पुलिस और वो गाड़ी एक गैराज में जाकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। उस आदमी का नाम बॉस्को रहता है और वो वहाँ फाइट स्टार्ट करता है और फिर उन लोगों को मारकर एक गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। और फिर एक वीरान सा जगह दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग एक लड़की को पकड़े रहते हैं और एक आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम फिश मैन रहता है और वो उन लोगों से मजाक कर रहा होता। और फिर स्मिथ को रन करते हुए दिखाया जाता है, वो उस गाड़ी में जाके बैठता है जिसे बॉस्को चला रहा होता है। हमें पता चलता है दोनों आर्मी के स्पेशल फोर्स से बिलोंग करते हैं और जब वो लोग फिश मैन को जला रहे होते हैं वैसा ही स्मिथ बॉस्को के साथ वहां पहुंचता है और गाड़ी सहित वहां एंट्री लेता है और गोलीबारी स्टार्ट होती है और स्मिथ अपने साथी यानी फेसमैन को बचाता है और उसे उसी टायर में फंसे धकेल देता है वहां से। लड़की को बचा गाड़ी में बैठ वो वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ फेसमैन भी ढुलकता हुआ जा रहा होता है और जाके टकराता है बॉस्को की गाड़ी से और फिर वो वहां से चला जाता है। और पहुंचते हैं किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग के नजदीक और वहाँ पे एक आदमी से मिलते हैं और उससे वहाँ अपनी गाड़ी और अपने गन दे देते हैं। और दूसरी तरफ फोर्स आते हुए दिखाया जाता है उनकी तरफ और वो हॉस्पिटल में जा किसी पायलट को ढूंढ रहे होते हैं और वो मिलता है फिशमैन को और उसका नाम मर्डोक रहता है। और फिर दिखाया जाता है वो बॉस्को को स्टिचेस लगा रहा होता है, फिशमैन भी वही खड़ा रहता है और वैसे ही सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो आर्मी पहुंचती है हॉस्पिटल के नजदीक। और फिर स्मिथ को मर्डोक को बचाते हुए दिखाया जाता है बॉस्को से, वो उसे मार रहा होता है क्योंकि उसने कुछ गलत किया होता है। और फिर स्मिथ कहता है मुझे एक पायलट की जरूरत है, तब वो कहता है हाँ मैं बेस्ट हूँ। और फिर आर्मी को हॉस्पिटल पहुंचते हुए दिखाया जाता है और वैसे ही उन चारों को हॉस्पिटल के छत पे आते हुए दिखाया जाता है और वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ कर वहां से चल देते हैं और उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर भी पड़ा रहता है। वो हेलीकॉप्टर मिसाइल भी फायर करता है पर मर्डोक हेलीकॉप्टर से स्टंट मारकर बच जाता है, पर बॉस्को हेलीकॉप्टर से बाहर झूलने लगता है और उसे फिशमैन फिर से अंदर खींच लेता है। तभी स्मिथ को एक आइडिया आता है और वो बस इंतजार करता है यूएसए एयर स्पेस में घुसने का और घुसते ही वो उस हेलीकॉप्टर को फाइटर जेट से गिरवा देता है और फिर वहां से ए टीम की शुरुआत होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है एक अमेरिकन बेस जहां बहुत सारे सोल्जर रहते हैं और वहां मर्डोक कुक कर रहा होता है और बॉस्को अपनी बाइक साफ कर रहा होता है और फिशमैन इंजर्ड होके सन बाथ ले रहा होता है। और तभी एक लेडी की एंट्री होती है, उसका नाम सोसा रहता है और वो फिशमैन की पास्ट में गर्लफ्रेंड भी रह चुकी होती है और अभी उसकी सीनियर बन के उसके पास आती है और फिशमैन से बात करने आई भी रहती है। और फिर स्मिथ को दिखाया जाता है वो दूसरे सोल्जर से बात करते रहता है और फिर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, उसका नाम लिंच रहता है और वो CIA एजेंट रहता है। और वो एजेंट स्मिथ को बता रहा होता है नोट छापने वाली डाई प्लेट के बारे में और ये मिशन के लिए मना रहा होता है बात करते हुए। और दूसरी तरफ सोसा भी
यही चीज पूछ रही होती है फिशमैन से उसी प्लेट के बारे में, पर अब तक फिशमैन को कुछ पता नहीं रहता है और सोसा वहाँ से उठकर चल देती है और अपने गार्ड को कहती है इन पे नजर रखना। और वो सब यानी फिशमैन और अदर्स गाना गा रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्मिथ एक आदमी से बात कर रहा होता है, उसका नाम मॉरिसन रहता है और वो उस अमेरिकन बेस का हेड रहता है। और वो थोड़े हाँ ना करने के बाद मॉरिसन मान जाता है इस मिशन के लिए। और फिर जब स्मिथ मॉरिसन से बात करके निकलता है तब बॉस को उसका वही इंतजार करते हुए मिलता है और दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर उनकी मुलाकात ब्लैक फॉरेस्ट नाम के एक प्राइवेट आर्मी से होती है। वो अपने आप को बहुत तेज दिखा रहे होते हैं पर स्मिथ उन्हें अच्छा खासा जवाब देकर आगे बढ़ चलता है। बॉस को भी आगे चल देता है स्मिथ के साथ। और फिर स्मिथ और उसकी टीम यानी फिशमैन, बॉस्को और मर्डॉक एक जगह प्लानिंग करते हुए दिखाए जाते हैं कैसे वो प्लेट वो वापस लेके आएंगे। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है सोसा आती है और अपने गार्ड से उनके इंफॉर्मेशन लेती है। तो वो कहते हैं कि वो लोग पिछले 3 घंटे से वही अंदर टेंट में है। तब सोसा को कुछ गलत लगता है और वो जाकर देखती है तो वो लोग वहाँ नहीं रहते हैं। और फिर वो उन्हें धमकी देती है बताने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ पैसे मिले हैं यहाँ पार्टी करने के लिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो अपने मिशन की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। बॉस को गाड़ी के गेट ला रहा होता है फिशमैन एक लड़की से आईडी चोरी कर रहा होता है। कैमरा भी चोरी करते हैं फिशमैन और मर्डॉक। और फिर जस्ट मिशन से पहले स्मिथ और उनकी टीम मॉरिसन के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अगले सुबह सोसा मॉरिसन से मिलने आती और पूछती है कहाँ है वो लोग, पर मॉरिसन नहीं बताता है और सोसा वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि मैं इस खामोशी को आपका कंफर्मेशन ही समझूंगी। और फिर स्मिथ को सबके साथ लास्ट बार मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है फिशमैन टनल में वेट कर रहा होता है ट्रक के आने का। दूसरी तरफ बॉस्को को भी बाइक से दिखाया जाता है। फिश पावरफुल मैग्नेट के हेल्प से उस ट्रक के पीछे लटक जाता है और उसी तरफ बॉस्को भी बाइक से पहुंच उस ट्रक पे चढ़ जाता है और फिर ट्रक को हाईजैक कर चलाने लगता है। तभी स्मिथ भी वायर के थ्रू ट्रक पे आ जाता है और अब 3 लोग हैं उस ट्रक पे। बॉस्को ट्रक चला रहा होता है, स्मिथ और फेस उस कंटेनर को बांध रहे होते हैं और फिर बॉस्को उसी कंटेनर में जाके अंदर बैठ जाता है। और वैसे ही मर्डॉक हेलीकॉप्टर से ट्रक का पीछा कर रहे गाड़ी को उड़ा देता है और ट्रक डेड एंड आते ही पानी में जा गिरती है, पर उसमें एयर बैग लगा दिया होता है स्मिथ और फेस ने, इसी कारण वो पानी में नहीं डूबता है। फिर उस कंटेनर को टो करके हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं और बॉस्को चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे फ्लाइंग से डर लगता है, खासकर जब मर्डॉक चलाता रहता है तब। दूसरी तरफ मॉरिसन पे कोई नजर रखे हुए रहता है और फिर मॉरिसन को गाड़ी में बैठ कर जाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ वो कंटेनर को वो लोग लैंड करवा रहे होते हैं और मॉरिसन को खबर भी कर रहे होते हैं। उसके बाद बॉस्को का गुस्सा देख उसे कोई कंटेनर से बाहर नहीं निकालता है। तब मर्डॉक उसे खाने का लालच देता है और तब वो मान जाता है। तब मर्डॉक गेट खोलता है कंटेनर का, तभी वो मॉरिसन के गाड़ी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी मॉरिसन की गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। तभी स्मिथ देखता है ब्लैक फॉरेस्ट के लोग उस कंटेनर से वो डाई प्लेट लेके भाग रहे होते हैं। जब वो गोली चलाते हुए आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो कंटेनर भी ब्लास्ट कर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट का जो लीडर रहता है वो अपने ही साथी को गोली मार रहा होता है प्लेट के चलते और प्लेट लेके वहाँ से चला जाता है। स्मिथ और अदर्स को पकड़ लिया जाता है और उनको उनके रैंक से हटा दिया जाता है और उनकी वर्दी भी ले ली जाती है। और मॉरिसन का फ्यूनरल होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, स्मिथ से जेल में मिलने लिंच आता है।
और लिंक उस प्लेट के बारे में बात करता और फोटो और डिटेल भी दिखाता है। तब स्मिथ कहता है, मुझे यहाँ से निकालो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। और ये भी शर्त रखता है कि वो उसके साथियों को क्लीन चिट और उनके पोस्ट वापस मिले। तभी स्मिथ के लिए जेल में बुक में छिपा कर एक सिगार भेजता है और फिर दिखाया जाता है स्मिथ को जलाने के लिए लाया जाता है क्योंकि उसे सब मरा हुआ समझते हैं। फिर जैसे ही उसे कंटेनर में डाला जाता है वैसे ही वो उठकर बाहर निकलता है और वो आदमी जो उसे जला रहा होता है स्मिथ को डेथ समझकर फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर फिश को दिखाया जाता है किसी दूसरे जेल में, वो वहाँ एस से रह रहा होता है और जैसे ही वो भी बाथ लेने जाता है तभी दिखाया जाता है कोई उसे बॉक्स के डोर को लॉक कर देता है। दूसरी तरफ सोसा को उसके बाद से पता चलता है कि स्मिथ जेल से भाग गया है। तब वो उस आदमी के पास पहुंचती है, उससे कुछ पूछताछ करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्मिथ ने फिश को किडनैप कर वहां से निकाला है और दोनों में थोड़ा हाथापाई भी होता है, पर स्मिथ फिश को शांत करता और कहता है हमें बदला लेना है। फिर दिखाया जाता है सोसा स्मिथ के सेल में जाके थोड़ा छानबीन करती है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है स्मिथ और फिश को बात करते हुए, वो अपने और दो साथियों को छोड़ाने के लिए बात करते हैं। और फिर दिखाया जाता है बॉस्को को, वो एक बस में बैठा है और जहाँ बहुत सारे कैदी भी हैं। तभी एक गाड़ी उस बस के बगल में आके खड़ी होती है चलते हुए और बॉस्को देखता है कि उस गाड़ी के नंबर प्लेट में लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट नाउ। वो समझ जाता है और जाके बस के पीछे वाले डोर पे खड़ा हो जाता है जहाँ लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट। तब वो गाड़ी बैक होती है और पीछे से स्मिथ एक गन से उस डोर को उखाड़ लेता है। बॉस्को उस डोर को पकड़ के वहां से भाग जाता है। उसके बाद स्मिथ फिश और बॉस्को को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां बॉस्को स्मिथ और फिश से कहता है वो अब किसी को नहीं मारेगा क्योंकि बॉस्को ने शपथ लिया हुआ होता है। वैसे ही उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मर्डोक को दिखाया जाता है, वो मेंटल हॉस्पिटल में रहता है, उसे शॉक दे रहे होते हैं। तभी स्मिथ का भेजा हुआ पार्सल मिलता है, उसमें से 3D ग्लासेस निकलता है। तभी मर्डोक वहां के दूसरे पागल लोगों को 3D मूवी दिखाने के लिए उकसाता है और जब वो एक रूम में जाते हैं मूवी देखने के लिए तभी मर्डोक देखता है सोसा भी उसे ढूंढते हुए आई हुई रहती है। तब वो जाके बैठ जाता है और पागल होने का नाटक करता है। सोसा उसे देखती है और बात करने लगती है, तभी मूवी स्टार्ट हो जाती है। तभी सोसा भी पीछे मुड़कर मूवी देखने लगती है। तभी मूवी वाले पर्दे के वॉल को तोड़ के गाड़ी से अंदर आते हैं और फेस मर्डोक को बुलाता है और सोसा भी गिर जाती है दीवार टूटने के कारण और मर्डोक गाड़ी में चढ़ वहां से चल देता है। सोसा और दूसरे गाड़ी के पीछे भागते हैं गन फायरिंग करते हुए, पर वो वहां से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं एक आर्मी प्लेन के पास जो टैंक लेके जा रहा होता है। तभी स्मिथ और दूसरे उसी प्लेन पे चढ़ जाते हैं। मर्डोक उड़ाता है उस प्लेन को, पर सोसा अपनी गाड़ी के साथ खड़ी रहती है, पर वो रुकते नहीं और उड़ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है उनके पीछे ड्रोन US आर्मी भेजती है, पर पहली मिसाइल से वो काउंटर फ्लेयर से बच जाते हैं, पर दूसरी मिसाइल से उनकी प्लेन को हिट लग जाती है। US आर्मी समझती है कि वो मर गए, सोसा भी वही रहती है। तभी एक टैंक को हवा में गिरते हुए दिखाया जाता है, तभी उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है और टैंक में है। फिर दिखाया जाता है टैंक के अंदर का सीन, तभी फेस को टैंक से निकल कर मशीन गन फायर करते हुए दिखाया जाता है ड्रोन पे और वो उन ड्रोन को मार भी देता है। दूसरी तरफ सोसा और अदर्स ये सब देख रहे होते हैं ड्रोन फुटेज पे और फिर स्मिथ टैंक के बैरल को दूसरी तरफ कर टैंक को हवा में उड़ाने की कोशिश करता है और ये सब वो लोग देख रहे होते हैं। और तभी नीचे की ओर टैंक बैरल कर फायर करते हैं टैंक के नीचे गिरते हुए स्पीड को कम करने के लिए। तभी दिखाया जाता है नीचे नदी में जहाँ एक आदमी
आदमी छोटे छोटे बॉम्ब फोड़ रहा होता है तभी एक बड़ी सी ब्लास्ट होती है और वैसे ही टैंक भी पानी में गिरता है। उसके बाद CIA ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां लिंच के साथी उसे टैंक वाले घटना के बारे में बता रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है स्मिथ और उसके साथी टैंक के साथ नदी से बाहर निकल रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सोसा को पता चलता है कि उस दिन मिलने स्मिथ से लिंच आया रहता है और फिर सोसा लिंच को कॉल करती और दोनों में थोड़ा आर्गुमेंट होता है और एक दूसरे को धमकी देते हैं। सोसा भी धमकी देकर फोन काट देती है और फिर लिंच अपने साथियों से बोलता है मुझे सारी डिटेल चाहिए जो सोसा के पास है। तभी दिखाया जाता है कुछ लोग वो सारे प्लेट से एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। स्मिथ भी प्लानिंग कर रहा होता है तभी एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सोसा फेस का वेट कर रही होती है और लिंच के आदमी सोसा पे गन ताने खड़े रहते हैं। तभी एक फोन बजता है, तब पता चलता है फेस ने उसके पॉकेट में वो फोन डाला है और तभी फेस सोसा को बात करते हुए एक कोने में खींच उसे सारी बातें क्लियर करता है अपने पास्ट के बारे में और कहता है उसने कुछ नहीं किया है और वो यहाँ बस अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आया है और ये कहकर निकल जाता है कि इस फोन को अपने साथ रखना। फेस के जाने के बाद सोसा अपने बंधे हाथ खोलने की कोशिश कर रही होती है और अपने आदमियों को उसके पीछे भेजती है। तभी दिखाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट का लीडर किसी दूसरे आदमी के साथ एक बिल्डिंग में घुस रहा होता है, वहीं सारे प्लेट एक ब्रीफकेस में रखे जा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है दूसरी तरफ वाले बिल्डिंग पे बॉस को गन लेके क्लीनर की तरह दिखा रहा होता है अपने आप को। स्मिथ के कहने पर जब बॉस को फायरिंग करता है वैसे ही स्मिथ उसी बिल्डिंग के ऊपर से रस्सी के सहारे चला आ रहा होता है और बॉस्को के छोड़े गन से ग्लास टूट जाता है और स्मिथ एंटर करता है। वहां बैठे उस आदमी को पैराशूट पहना के बिल्डिंग पे से ढकेल देता है और उस आदमी को मर्डोक लेके छोटे से हेलीकॉप्टर से चला जाता है और दूसरी तरफ स्मिथ वो प्लेट वाले केस लेके वहां से कूद जाता है। पर ब्लैक फॉरेस्ट का जो लीडर रहता है वो उठकर गोली चलाने लगता है, वैसे ही केस स्मिथ के हाथ से गिर जाता है। तभी स्मिथ बॉस्को को बोलता है, बॉस्को जब नीचे जाने लगता है तब वैसे ही बॉस्को के ऊपर भी गोली चलाता है और उसके रोप वाले मशीन को खराब कर देता है। बॉस्को गिरने लगता है नीचे की ओर और जाके ग्लास सेट पे गिरता है और फिर नीचे गिरने के बाद बॉस्को वो केस लेके भागता है। वहीं ब्लैक फॉरेस्ट का लीडर भी रोप सहारे उतर जाता है और बॉस्को के पीछे वहां जाता है और एक गोली मार बॉस्को को गिरा देता है और फिर जब उससे मारने की कोशिश करता है तब वैसे ही स्मिथ आके उसकी तरफ उसे टक्कर मारता और बॉस्को को लेके गाड़ी से चल देता है। पर वो फिर उसे उठकर गाड़ी के पीछे भागता है गोली चलाते हुए वहां से, जब तक गाड़ी वहां से चली जाती है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। सोसा भी वहीं रहती है गन ताने उस पे। फिर दिखाया जाता है स्मिथ और बॉस्को एक वीरान जगह पहुंचते हैं, वहां मर्डोक और फेस भी रहता है वो किडनैप किए हुए आदमी के साथ। और फिर स्मिथ फेस और मर्डोक से मिलने के बाद वो उस आदमी के पास जाता है और उसके चेहरे से कपड़ा उठाता है तो पता चलता है कि वो मॉरिसन रहता है जिसके चलते उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया था। तब फेस गुस्से में आकर उस पे गन तान देता है और फिर सब उसे समझाते हैं। थोड़े आर्गुमेंट के बाद वो मान जाता है और गन नीचे करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ लिंच को कॉल करता है प्लेट की जानकारी देने के लिए। तब लिंच कहता है 5 मिनट में पहुंच रहा है। फिर स्मिथ को रिकॉर्डिंग सुनते हुए दिखाया जाता है जो उसने रिकॉर्ड किया रहता है मॉरिसन से बात करने के समय। उसके बाद उसे उसके साथियों के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई आती और वो वहां से भागते हैं और वो प्लेन उस प्लेस पे बॉम्ब गिराता है जहां मॉरिसन रहता है और वो प्लेस उड़ा देता है। और ये सब लिंच को लाइव फुटेज देखते हुए दिखाया जाता है और फिर लिंच अपने साथियों को वो प्लेट लेने के लिए है और दूसरी तरफ उस आदमी को जिसे सोसा ने पकड़ा था उसे अपने कस्टडी में लेके चल देता है और सोसा कुछ नहीं कर पाती है। फिर दिखाया जाता है स्मिथ और उसकी टीम उठती और वो केस लेती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लोग यानी लिंच और उसके साथी उस आदमी को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं गोली में साइलेंसर डाल के गाड़ी में। और फिर दिखाया जाता है स्मिथ और उसकी टीम वहां से एक बोट में बैठकर चल
बदल देती है और फिर फेस सोसा को कॉल करता है। स्मिथ उससे बात करता और कहता है जनरल मॉरिसन अभी भी जिंदा है और हमारे पास है, जबकि मॉरिसन मर चुका होता है। स्मिथ ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि लिंच उन दोनों की बात सुन रहा होगा और जानबूझकर वो अपना मिलने का लोकेशन बताता है। उसके बाद लिंच ब्लैक फॉरेस्ट का जो लीडर रहता है पाइक उसे एक मौका देने की बात करता है और वो एग्री भी करता है। और उसके बाद फेस सोसा को कॉल फिर से करता है अपने दिए हुए फोन पे, जो कि लिंच नहीं जानता है। और फिर पूरे टीम को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है अलग अलग नाम और ड्रेसेस में। सारे सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद पहुंचते हैं एंट्री गेट, जहां मर्डॉक बॉस्को को इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर देता है क्योंकि बॉस्को को फ्लाइंग से डर लगता है। उसके बाद वो प्लेन से निकलते हैं पानी के रास्ते फ्लाई करते हुए और फिर बॉस्को को होश में आते हुए दिखाया जाता है। और वैसे ही मर्डॉक बॉस्को की फेवरेट डिश बना के लाता है जिससे कि वो गुस्सा ना करे और बॉस्को वो खाने लगता है। उसके बाद फेस को टीम को समझाते हुए दिखाया जाता है आगे प्लानिंग कप के साथ। उसके बीच उन लोगों को प्लान के हिसाब से तैयारी भी करते हुए दिखाया जाता है। फिर स्मिथ और बॉस्को में बात होती है वायलेंस और उसकी शपथ को लेके, और फिर दिखाया जाता है फेस जो कि सोच रहा होता है कुछ। वैसे ही मर्डॉक आ जाता है और फिर दोनों बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एलेडॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंच और पाइक और उसके सारे साथी वहाँ स्मिथ और उसकी टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर फेस को गेम स्टार्ट करते हुए दिखाया जाता है। वो एक कंटेनर उठाता है और स्मिथ को निकलते हुए दिखाया जाता है। लिंच अपने आदमियों को रेडी रहने के लिए कहता है और फिर सोसा का कॉल आता है। वो स्मिथ से कहती है मैं नहीं कर सकती डील ऑफ, ये सब फेस की प्लानिंग रहती है, ये सब जानबूझ कर कहती है कि लिंच ये सुने और कोई एक्शन ले। और फिर फेस अपना गेम स्टार्ट करता है जिसका उसने प्लान किया था और पहले गाड़ी का शो दिखाया जाता है लिंच के ग्राउंड टीम को फंसा के मारने के लिए, और वो मार भी देते। और फिर पाइक एक लॉन्चर छोड़ देता है शिप पे जिससे कि चारों तरफ कंटेनर गिरने लगते हैं और फेस भी इसी दौरान नीचे आ जाता है। वहीं पाइक भी फेस के पीछे जाता है और गन ताने फेस पे खड़ा हो जाता है। तभी बॉस्को को बाइक से आते हुए दिखाया जाता है और बाइक उसे गोली मार रहा होता है, पर वो बाइक से कूद जाता है और बाइक ब्लास्ट हो जाती है। फिर बॉस्को बाइक को उठाकर ऐसा पटकता है कि वो वहीं मर जाता है। फिर लिंच को दिखाया जाता है, वो गन ताने बढ़ रहा होता है और एक कंटेनर में जाता है और देखता है कि वहाँ कोई बैठा लिंच का नाम ले रहा होता है। वैसे ही उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है स्मिथ के साथ और वो स्मिथ को मार के गिरा देता है। और सच बोलते बोलते मॉरिसन समझ उस आदमी को मार देता है जो मास्क पहने बैठा रहता है और प्लेट्स वाले केस को चेक करता है। फिर स्मिथ उठकर लिंच को मारता है और उसे और सब बुलवाता है। और वैसे ही कंटेनर उठना चालू होता है तो पता चलता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए सेटअप था और वो सच बोल के फंस जाता है। उसके बाद सोसा उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है एक आदमी को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, वो लिंच को अपने साथ ले जाने के लिए आया रहता है। उधर बॉस्को मर्डॉक से मजाक कर रहा होता है कि कहो चोट कहाँ लगी है, मैं स्टिचेस लगा देता हूँ। और स्मिथ और फेस हंस रहे होते हैं और फिर वो आदमी स्मिथ और उसकी टीम से बात करता है और उन्हें शाबाशी देता है और चल देता है। उसके बाद आर्मी पर्सन आके स्मिथ और उसकी टीम को अरेस्ट कर लेते हैं। तब सोसा कहती है इन्होंने तो हमारी मदद की है तो फिर क्यों अरेस्ट इन्हें कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि इन्होंने बेशक मदद की है पर जेल तोड़ के, इसलिए इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तभी सोसा फेस को एक किस करती है और सब देख रहे होते हैं और फिर उन्हें यानी स्मिथ और उसकी टीम को पुलिस वैन में बैठा देते हैं। तब जाते जाते फेस अपने मुंह में से एक की निकालता है और तब पता चलता है कि सोसा ने किस के बहाने फेस को की दिया था और ये सब प्लान रहता है स्मिथ और फेस का। और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है।